बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत के घर बांद्रा पुलिस थाने से पहुंचा है एक बड़ा ऑर्डर या यूं कह लीजिए कि फरमान, जिसे फॉलो करना ही है कंगना रनौत को। जी हां, अब तक कंगना रनौत नेपोटिज्म को लेकर लगातार ही बॉलीवुड के बड़े बिग बीज के खिलाफ स्टेटमेंट देती रही, विवाद खड़े करती रही। लेकिन SSR के सपोर्ट में वीडियो जारी करने के बाद उनके गुजरने के पीछे की असली वजह नेपोटिज्म को बढ़ावा देना माना और इसे सपोर्ट किया। उस कंगना को अब बांद्रा पुलिस थाने पहुंचने का मिला है नया फरमान। जी हां, नोटिस भेजा गया है कंगना रनौत के पास बांद्रा पुलिस थाने की तरफ से कि वो पुलिस स्टेशन आए और पूरी तरह से जानकारी दे। 35 लोगों की पूछताछ के बाद कंगना रनौत से मुंबई पुलिस जानकारी देने के लिए तैयार है और इस बार एक रिमाइंडर भेजा गया है। इससे पहले भी पूछताछ के लिए कंगना के घर नोटिस भेजा गया, लेकिन कंगना मनाली में अपनी फैमिली के साथ थी और वहाँ वक्त गुजार रही थी, वहाँ से वो नहीं आ सकती थी। इसलिए उन्होंने कहा अगर वहाँ पुलिस वाले कोई एक उनके घर पहुंचकर सुविधा लेकर आए बात करने तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंगना सुशांत के मामले में बात करने से पीछे नहीं है। कंगना ने कहा था, मैं बता रही हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी मैं गवाही नहीं दे सकती, जिसे मैं साबित नहीं कर सकती, जो जनता के हित में नहीं है, तो मैं अपना पद्मश्री लौटा दूंगी। ऐसे में फिर मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी चाहता था कि SSR चला जाए, लेकिन कई चाहते थे कि वो निश्चित रूप से बर्बाद हो। ये लोग भावनात्मक गिद्ध होते हैं, वो लोग को वाकई में आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। निर्माता आदित्य चोपड़ा, फिल्म निर्माता महेश भट्ट, फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर और फिल्म समीक्षक राजीव मसंद को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, ये कंगना रनौत ने कहा था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।